हरियाणा के मतदाताओं का मिजाज जानना हो तो हिसार की हवा को देखने की जरूरत है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिसार, जहां के नेता और जनता का मन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता। नमस्कार, आईबीएन 7 की इस खास चुनावी पेशकश में मैं नीरज गुप्ता अपने साथी विमल कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मोदी सरकार, क्या हरियाणा में होगा इस बार? हरियाणा में चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ता हुआ हमारा ये कारवां आज पहुंचा है हिसार। ये हरियाणा की सियासी राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल कही जाती है। कहते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी जब अपनी मंजिल की तरफ चलती है तो उसका एक चौराहा हिसार में पड़ता है, यानी यहां से वो अपनी दिशा तय करती है। तो हिसार का चुनावी दंगल क्या शक्ल अख्तियार कर रहा है, ये बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं भीम महाजन, ये INLD ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से हैं और हिसार से प्रत्याशी हैं। सतेंद्र सिंह, ये आदमपुर, हिसार डिस्ट्रिक्ट की एक विधानसभा है आदमपुर, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे जो उनके स्टेट स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर योगेश विधानी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा कि बीजेपी हरियाणा में अपना अस्तित्व ही खोजती रही है आज तक असेंबली इलेक्शंस में, इस बार आपको क्या लगता है वो कौन सा घोड़ा है जिस पर सवार होकर आप अपनी मंजिल तक, जीत की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? पूरा देश आज तक एक किसी गुमराह में था जी, अब परिवर्तन हो रहा है, आपने पूरे देश में परिवर्तन किया है तो हरियाणा भी उसी का हिस्सा है। इस बार हरियाणा भी परिवर्तन कर, पूरे देश में तो मोदी के चेहरे पर जीत गए, तो इस बार भी मोदी ही अब बीजेपी है, उसमें कोई कहानी नहीं है। मोदी अमेरिका जापान घूम रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो हरियाणा के गली कूचों में भी मोदी ही घूमे? वो आज विश्वव्यापी प्रधानमंत्री हैं, आज वो दिल्ली में साफ सुथरा। आप कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी अभी तक नहीं दे पाए हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हम बात करते हैं कांग्रेस के सतेंद्र सिंह से। 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, लोकसभा चुनाव 4 महीने हुए हैं, आपकी पार्टी एक तरीके से लोगों ने पूरी वाइप आउट कर दी, सुपड़ा साफ हो गया। अब इन विधानसभा चुनावों में आप किस बूते, किस यकीन के बूते ये कहते हैं कि आपको वोट मिलेगा? विकास, विकास वो पहला मुद्दा है। आज आप हरियाणा की गली कूचों में घूमे हैं, आप कोई भी गली कूचे में घूमे, आपको कहीं ऐसा कोई कोना नजर नहीं आया होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी ने विकास का पत्थर ना लगाया हो। ऐसा कोई कोना नजर नहीं आया, ऐसा कोई घर नजर नहीं आएगा जहां पर कांग्रेस पार्टी और हमारे विकासशील मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों अनुसरण ना हो। सतेंद्र जी, आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि खाली परिवार का विकास हुआ है और एक शहर का विकास हुआ है। खैर, मैं लोगों से बात करूंगा, आपके पास भी आऊंगा, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूं ये बात। जो विकास की बात कर रहे हैं, जो ये पत्थर लगाने की बात कर रहे हैं, सारा खर्चा सारा एक क्षेत्रवाद के राजनीति करने का काम किया है हुड्डा जी ने। और मैं आपको साफ शब्दों में ये कहूंगा, इन्होंने जो बात कही है कि जगह जगह हमारे माइलस्टोन्स लगे हैं, हर चौक चौराहे पे हमने अपनी वो, मैं तो कहता हूं कि सारा पैसा इन्होंने चौक चौराहों में वो अपना फाउंडेशन लगाने के लिए लगा दिया कि हमने ये काम किए। सतेंद्र जी, आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ रोहतक के अंदर विकास हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, आप कहीं भी चले जाइए, व्यक्तिवाद का या परिवारवाद का कोई पत्थर नहीं लगाया, लगाया तो सिर्फ विकास का लगाया। दूसरी बात, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अस्त्र हमने आम आदमी के हाथ में दिया, उससे कोई भी व्यक्ति ये बोल तो राहुल गांधी की भाषा रहे हैं, लेकिन ये भाषा लोकसभा चुनावों में चली नहीं थी, लोगों में नहीं चली। पर मैं आज आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बारी इन्हीं मुद्दों पर, पिछली बार लोग भ्रमित हो गए थे, वो कोई पार्टी की हवा ना होकर, किसी नीति की ना बात ना होकर, एक आदमी के बरगलाने से भाजपा की सरकार हैट्रिक तो छोड़िए, 1972 के बाद कभी रिपीट भी नहीं हुई थी हरियाणा में सरकार, लेकिन चलिए कांग्रेस की सरकार पिछली बार रिपीट हुई, दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे। बड़ा मजाक कर रहे हैं देश की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ, इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है, हिसार की जनता जो सारी जो मेरे पीछे खड़ी है ये खुद बता देंगे, ये मेरे बिल्कुल पास में एक ओवरब्रिज है जी, इसको इतना सा टुकड़ा था जो ठीक करवाना था, जबकि सरकार हरियाणा में कांग्रेस की, केंद्र में कांग्रेस की, और यहाँ नगर पालिका की अध्यक्षा भी कांग्रेस की, सारे कांग्रेस की होती थी, लेकिन नहीं, 9 साल तक